आइए दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं कि जो भी पीएफ सदस्य 10 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं, मतलब 10 साल की जो सर्विस पूरी हो जाती है, जो आपकी पेंशन मिलती है 9 साल और 6 महीने से कम की सर्विस होती है, तो फॉर्म ऑफ टेंसी के द्वारा एक बार में पैसा निकाल सकते हैं। मगर जो आपकी पेंशन अगर 9 साल 6 महीने 1 दिन की भी हो जाती है, तो आपकी फिर मंथली पेंशन के रूप में पेंशन चालू होगी। वो कब आपको मिलेगी? कम दर पर आप 50 साल पर ले सकते हैं, और आप 58 साल पर जो आपकी पेंशन बनेगी वो ले सकते हैं, और आप 59 साल में निकालेंगे तो जो आपकी पेंशन बनेगी वो 4% एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और 60 साल में 8% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मतलब हुआ क्या, जैसे आप 58 साल पर अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो आपको अगर 3000 की पेंशन बनेगी तो 3000 की ही पेंशन आपको मिलेगी। अगर आप 59 साल में निकालते हैं तो जो 3000 की जो 4% एक्स्ट्रा होगी, मतलब 120 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 120 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 3120 रुपए, मतलब 3120 रुपए मिलेंगे। अगर यही आप 60 साल की एज पर निकालते हैं तो 8% एक्स्ट्रा मिलेगी, 8 × 32 मतलब 320 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। मगर यही पेंशन आप अगर 58 से 50 साल के बीच जितनी भी साल कम निकालेंगे, आपको पर 4% से कम मिलेगी। मतलब आप अगर 50 साल में लेते हैं और आपकी 58 साल पर जो पेंशन बनती है वो बनती है आपकी 3000 रुपए, और आप 50 साल पर निकाले हैं तो 50 से 58 के बीच में हो गया गैप, वो हो गया 8 साल का, तो 8 × 32 मतलब आपको 32% कम पेंशन मिलेगी, कितने से, जो आपकी 3000 की पेंशन बन रही है। दोस्तों इसको हम जानेंगे एक कैलकुलेटर के माध्यम से कि आपकी पेंशन कैसे बनेगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, या हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने सर्च इंजन में टाइप करना होगा ईपीएफओ, तो ईपीएफओ टाइप करने आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको इस ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखता होगा ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस कैलकुलेटर के द्वारा आप अपनी ईडीएलआई कितनी होगी, अगर कोई एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है तो जो फैमिली मेंबर होंगे नॉमिनी होंगे उनको कितनी पेंशन मिलेगी ईडीएलआई के द्वारा, जो 2.5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक मैक्सिमम होती है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम आप जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे आपकी पेंशन कैलकुलेटर। अगर आपको ईडीएलआई का बेनिफिट्स की कैलकुलेट करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिलहाल हम करेंगे आज पेंशन के लिए, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो डेट ऑफ बर्थ डालने से पहले आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ की जन्म की तिथि 1 अप्रैल 1953 या इसके बाद की होनी चाहिए, मतलब अगर इससे पहले की होगी तो इस कैलकुलेटर के माध्यम से आप नहीं चेक कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, जो तारीख है ना आपकी 1/4/2011, इसके बाद की पेंशन चालू होनी चाहिए। मतलब क्या है, जो भी पेंशन लेना चाहेंगे वो 1/4/2011 के बाद जिनकी पेंशन चालू होगी वो इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। मतलब दो पॉइंट्स ध्यान रखना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/4/1953 की बात की होनी चाहिए और उनकी पेंशन 1/4/2011 के बाद मिलनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन फॉलो करने पर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, देन सेव जोड़ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको होगा सेवा जोड़े, आपको सेवा जोड़े ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, थोड़ा हिंट दे देंगे कि आपके 58 साल प्राप्त होने के लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी जो रिजाइन डेट पड़ेगी वो पड़ेगी 4 जुलाई 2024 के लिए, ठीक है। यहाँ देखना है, अगर आप 50 साल पर ये पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 4 जुलाई 2016 में रिजाइन देना होगा, ठीक है। जो मिनिमम अवेलेबल डेट होगी वो यही होगी, ठीक है, मतलब 5/7/2024 से कम डेट डाल सकते हैं, इसके ऊपर की डेट आपकी नहीं पड़ेगी। ये कैसे चेक की इन्होंने, ये की आपकी 5 जुलाई 1996 का डेट ऑफ बर्थ है, तो इस डेट ऑफ बर्थ में अगर आप 58 साल जोड़ देंगे तो आपकी यही डेट निकल के आएगी, ठीक है। तो 58 साल से एक दिन कम की सर्विस में आपको रिटायर्ड होते हैं, तो इससे आगे की डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है चीजों के बारे में। जब हम आगे डिटेल फिल करेंगे तो इसको आप थोड़ा और क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे सेवा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सेवा आरंभ करने की तिथि, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग करना होगा और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ फिल करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी, यहाँ पे आपको दो डेट डालनी होगी, ठीक है। यहाँ पे दो डेट क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एनसीपी डेट, अगर देखो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम ये ले लेंगे डेट ऑफ बर्थ 2014 के लिए ले लेते हैं, तो आपको देखना यहाँ पे एनसीपी फ्रॉम 1/9/2014 इसके आगे की डेट डालनी होगी। अगर यही डेट आपकी इससे पहले की होगी, इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं कोई भी, तो आपको देखना है यहाँ पे ये डेट आपको दो एनसीपी डेट डालने को बोलेगा, ठीक है। यहाँ आगे गोवा डेट, यहाँ ध्यान रखना है
जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस डेट के बीच की है। ठीक है, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि जो इनकी डेट है 16/11/1995 से लेके 31/8/2014 तक के लिए एनसीपी डेट। अब ये क्या चीज आ गई, अगर किसी की जो डेट थी ज्वाइनिंग थी वो 1995 से लेके और 2014 के बीच की हुई है तो उसके बीच में एनसीपी डेट डालनी होगी। एनसीपी डेट क्या होता है कि मान लो आपने किसी कंपनी में एक साल जॉब की है तो एक साल जॉब में आपने जो छुट्टियां ली हैं उस छुट्टियों में क्या होता है कि आप कहते हैं ना कंपनी में जाके कि आपकी ईएल और सीएल कैलकुलेट होंगी तो आपको नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है। ठीक है, आपको विदाउट पे होती है तो विदाउट पे के टाइम पे आपकी सैलरी नहीं कटती, मगर जो ईएल और सीएल होती है उनको ऐड करके आपकी सैलरी तो पूरी आ जाती है मगर आपके पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन वो कम जमा होता है। तो यहाँ पे एनसीपी डेट डालनी होती है। एनसीपी होती है नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। ठीक है, ये आप कहाँ देख सकते हैं, ये आपकी पीएफ की पासबुक में मेंशन होती है एनसीपी डेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉलम आ गए कि आपके इस डेट के बीच में कितने एनसीपी डेट है तो आप जो भी डेट होंगे उसको आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, मान लो आपने दो काउंट कर लिए, एग्जांपल बता देता हूँ। इसके बाद कह रहे हैं कि इस डेट के बाद 1/9/2014 के बाद आपके कितने एनसीपी डेट है, तो यहाँ भी आप मान लो एग्जाम्पल पे जितने होंगे आप उतने कैलकुलेट कर लेंगे, आपको यहाँ पे दो कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको देखना है यहाँ पे आप जैसी सेवा जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा दिस करंट वर्जन ऑफ कैलकुलेटर डज नॉट मैच हैंडल पास्ट सर्विस डेट ऑफ ज्वाइनिंग शुड बी इक्वल टू लेटेस्ट देन 16/11/1994 सर्विस नॉट एडेड। ये कह रहे हैं कि सर्विस आपकी जोड़ी नहीं जा सकती। क्यों, ये सर्विस इसलिए नहीं जोड़ी जा रही है, आपको दोबारा से दिखा देते हैं। ये डेट डाली तो ये कह रहे हैं जो आपकी मैक्सिमम डेट पड़ेगी ना, यहाँ पे आप देख लीजिए 5/7/2024 ये वाली डेट थी तो ये हमने डेट डाली है। तो जो इनकी 58 साल तक की एज हो रही है उसमें अगर ये चार डेट और जोड़ देंगे इस डेट से आपको ये चार दिन एनसीपी डेट कम करने होंगे। जैसे कैसे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दो दिन ये हो गए चार दिन हो गए, जो आपकी मैक्सिमम होगी जॉब की तो होगी 5/7/2024। ठीक है, तो आपको 5/7/2024 में से ये डेट माइनस कर देंगे मतलब चार दिन कम करेंगे तो जो डेट ऑफ एग्जिट हो रही थी वो 5/7/2024 हो रही थी, इसमें से चार दिन कम कर दिए तो 1/7/2024 हो गई। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारी ये सेवा जुड़ चुकी है। तो इस चीज से आप ध्यान रखना है कि आपके एनसीपी डेट भी काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो कॉलम बन जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है एक बन गया ये वाला कॉलम और एक बन गया ये वाला कॉलम। इससे हम कुछ ध्यान नहीं हो, इस चीज से मुझे मतलब नहीं होता मगर फिलहाल एक जानकारी के पर्पज से आपको पता होना चाहिए। ये डेट है कि यहाँ पे 31/8/2014 तक कितने दिन हो रहे हैं आपके, 5,733 दिन। ये कैसे निकाले उन्होंने, आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी आपकी 1998। ठीक है, ये वाली डेट, इस डेट से लेके और 1/4/2014 तक जो डिफरेंस है वो आपका 5,733 दिन हुए। देन इसके बाद की डेट आई 31/8/2024 के बाद से लेके 31/8/2014 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक तारीख दी होगी कि पेंशन शुरू होने की तिथि चुनी गई। ठीक है, मतलब आप जो पेंशन है वो कब से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो डेट होती है आपकी कौन सी वाली, जो आपकी डेट ऑफ रिजाइन होती है मैक्सिमम लिमिट होती है वो आपकी डेट ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। मगर आप ये चाहते हैं कि आप ये पेंशन कब से लेना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई 59 साल में लेना चाहेगा तो 59 साल के हिसाब से इसमें जोड़ देंगे 2025 आ जाएगी यहाँ पे 5/7/2025 और 60 साल में लेना चाहते हैं तो 5/7/2026 हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, 4% एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी पर साल के हिसाब से। ठीक है, अगर यही पेंशन आप 50 साल के लेते हैं चाहते हैं तो आपको ये पेंशन कम हो जाएगी। फिलहाल ये 58 साल के ही हुए हैं तो 58 साल में ये डेट के हिसाब से इनको पेंशन मिलनी चाहिए, तो इस डेट में आपको पेंशन चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है पेंशन योग वेतन, ये एक वेतन आपको भरना होगा। कौन सा वेतन, कि आपकी जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी थी। यहाँ पे एक नोटिस दिया है दिस पेंशन सैलरी शुड बी ग्रेटर 0 मैक्सिमम 15,000 फॉर डेट ऑफ एग्जिट फॉर 1/9/2014। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो 1/9/2014 के बाद की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनकी पेंशन जो वेतन होगी 0 से लेके 15,000 तक के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, और ये है जो 1/9/2000 पहले से ज्वाइनिंग है जिनकी, तो उनकी 6500 होनी चाहिए। क्या था, 1/9/2014 से पहले जो बेसिक सैलरी हुआ करती थी तो मैक्सिमम 6500 को हुआ करती थी, इसके हिसाब से जो अधिकतम होगी वो होगी 6500 रुपए। मगर 1/9/2014 के बाद क्या हुआ, बेसिक सैलरी बढ़ाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या कह रहे हैं कि 15,000, तो अभी जो प्रेजेंट रूल चल रहा है वो 15,000 की बेसिक सैलरी होती है, मैक्सिमम जो है 15,000 रुपए है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही करना है 0 से लेके 15,000। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कब नहीं हुई है, तो आप अपनी बेसिक सैलरी देख लेंगे कि बेसिक सैलरी कितनी है। तो एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि 15,000 ही बेसिक सैलरी है, हम एक डेमो पर्पज से फॉर्म भर रहे हैं इस हिसाब से, तो 15,000 फिल कर दिया। अब यह होगा गणना, देखें आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा पेंशन योग वेतन, तो आपको इसमें कितनी मिलेगी, 3564 रुपए। ठीक है, मतलब आपकी ये जो गणना थी इस डिटेल के हिसाब से जो आपको पेंशन बनेगी वो 3564 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में भेजी जाएगी, जो आपकी अकाउंट
लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी पेंशन की गणना कर सकते हैं ऑनलाइन कैलकुलेटर के द्वारा। तो दोस्तों इसकी आप गणना तो खुद भी करना चाहते हैं तो इसकी क्या होती है, इसकी होगी आपकी पेंशन योग वेतन, ठीक है, फुल टाइम पीरियड, और इसको 70 से भाग कर देंगे तो आपकी ये पेंशन निकल आएगी। फिलहाल इसकी अगर जानकारी चाहते हैं तो इसके रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल बना रखा है, उसमें आपको लिखित में ये फार्मूला मिल जाएगा, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। उसको आपको क्या करना होगा चेक करने के लिए, तो ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं, इसमें आपको जानकारी लिखित रूप में मिल जाएगी और आपका कोई भी डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंशन, आप पेंशन सर्च करेंगे तो पेंशन आपका सबसे नीचे जो एक स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे एक आर्टिकल मिल जाएगा आपको, ईपीएफ पेंशन रूल, जॉब से रिटायर होने पर आपकी पेंशन कितनी बनेगी, आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिलहाल मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा ये आपका आर्टिकल सामने आ जाएगा और नीचे आपके लिए इसमें एक जानकारी मिल जाएगी लिखित रूप में कि आपके 9 साल के बाद होगी तो कितनी पेंशन बनेगी, उससे कम होगी तो कितनी पेंशन मिलेगी, इसमें क्या रूल है, 58 के लिए क्या रूल है, ठीक है, 4% कम होगी ज्यादा होगी, वो सारी डिटेल हमने लिखित में दे रखी है, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी इसमें। आपका फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला यहाँ पे दे रखा है, पीएफ सदस्य की कुल समय सीमा, पिछले 60 महीने का औसत वेतन और 60 से डिवाइड कर देंगे आपका आ जाएगा। हमने यहाँ पे बहुत एग्जांपल में बता रखा है कि एग्जांपल में किसी की 12 साल की जॉब है, कितनी टाइम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रखा है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। सभी फ्रेंड्स से एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए, आपके पेंशन संबंधी सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टाइप का तो हमें कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।